ये बाय टू गेट वन वाला, दो अगर टिकट खरीदोगे ना तो एक टिकट इसमें फ्री मिलेगा, मतलब दो जन खरीद रहे हो ना तो तीसरा एक फ्री में मिलेगा। ये शायद क्या स्कूल है क्या, उतना पता नहीं। सोचो ना, मैं इतना बार आया हूँ ना नालंदा भाई, मेरे को उतना पता नहीं ये क्या चीज है, आज तक मेरे को पता नहीं है। बट ये देखो छोड़ के आ गया भाई, मतलब टाइम लिया यार बाइक से, काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाता ना 500 मीटर। मतलब भाई पानी देखो तो कितना मस्त है यार, एकदम साफ साफ, गड्ढा उतना नहीं है भाई, कुछ भी बोलो गड्ढा उतना नहीं। पिछला बार भी नहाए थे ना, गड्ढा बिल्कुल भी नहीं था। बट जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। तो गाइस ये देख सकते हो, ये मेरे हाथ में कुछ है, लाइक देख के आप लोग गेस कर लो क्या है। तो ये वाटर पार्क का गाइस पास है मेरे पास, जो कि मैंने 24 फरवरी को मैंने लिया था 2023 में, जो कि आज 31 को तक अवेलेबल है, मतलब आज तक इसका वैलिड है, कल के बाद इसका वैलिडेशन खत्म हो जाएगी। तो ये पास अपन लोग यूज देखो करते हैं या फिर नहीं करते हैं, बट अपन लोग करें या ना करें वो तो बात की बात है। बट मैंने किसी को बोला ये पास देने के लिए, जो कि वो लोग यूज कर लेगा। बट अपन लोग अभी वाटर पार्क जाने वाले थे, लेकिन अपना प्लान कुछ कारण बस कैंसिल हो गया, तो भाई क्या ही बोल सकते हैं। तो अभी फिलहाल अपन लोग ये पास किसी और को देंगे, वो ये पास को अच्छे तरीके से यूज करेगा, क्योंकि गाइस पैसा ना काफ़ी ज़्यादा इसमें लग चुका है, 16,000 के आसपास अराउंड। तो पास को तो यूज करना बनता है ना भाई, इतना पैसा लगा है तो यूज़ तो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको ना पास के बारे में सारा कुछ दिखाता हूँ, बैक कैमरा से आप लोग देखना सारा पास अभी कितना बचा है, और फिर होटल का इसमें पास दिया है, मॉकटेल ये सब पीने वाला, कोल्ड ड्रिंक ये सब, सारा कुछ का पास है अपने पास इसमें अवेलेबल अंदर में ही, जो कि मैं अभी आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। सो ये अपना पास है भाई, और इसका प्राइस अपने को पड़ा था टोटल 12,600 रुपये, ये पड़ा था प्लस 3,660 रुपये और पड़ा था, मतलब टोटल 16,260 रुपये पड़ा था। और ये सिर्फ आज तक ही वैलिड है, क्योंकि एक साल का वैलिडेशन होता है ना, तो अपन लोग 24 तारीख को लिए थे और फिर आज इसका लास्ट डेट है। लाइक मैं आप देख रहा हूँ, 24 तारीख को मैंने लिया था, 24 फरवरी को, और फिर आज ये लास्ट डेट है। और फिर इसको देख सकते हो, दो बार मैंने यूज करा था सिर्फ अभी तक, और बाकी सारे लोग, बहुत सारे लड़के लोग अपन लोग मिल के जाते थे ना, तो लगभग इसे पास अभी काफ़ी सारा अवेलेबल है इसमें। सो ये देख सकते हो, ये बाय टू गेट वन वाला, दो अगर टिकट खरीदोगे ना तो एक टिकट इसमें फ्री मिलेगा, मतलब दो जन खरीद रहे हो ना तो तीसरा एक फ्री में मिलेगा। तो उसमें तुम 500 रुपये के हिसाब से ना 1,000 में तुम 3 लोग जा सकते हो। ये रहा, प्लस इसमें कुछ रेस्टोरेंट का ऑफर है, हालांकि हम लोगों ने कुछ यूज करा था, ये देख सकते हो इतना सारा यूज किए थे और भी है, और ये कुछ होटल वोटल का है, गिफ्ट कार्ड ये सब, और भी देखो मैं अभी और भी दिखाता हूँ, ये सारा कुछ बहुत सारा चीज़ है भाई। और फाइनली ये दो और है बाय टू गेट वन वाला, टोटल मतलब इसका काउंट करो ना तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 10 टिकट है, और एक है बाय वन गेट वन का, टोटल 15 ये था और 15 बाय वन गेट वन वाला था। तो सोचो इसे 5 बाय टू गेट वन वाला यूज हुआ अपना, और 14 ये वाला यूज हुआ बाय वन गेट वन वाला। तो अभी टोटल अपने पास इतना ही बचा है, तो ये तो अभी किसी को देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी अपन लोग वाटर पार्क नहीं जा रहे हैं, तो इसको अपन लोग किसी को देंगे। और फिर देख सकते हो यहाँ पे मेंबरशिप, जूम करके दिखाना थोड़ा, ये देखो मेंबरशिप वैलिड टिल 31 मार्च 2024, मतलब मैंने 2023 में खरीदा था, 2024 आज लास्ट डेट है, आज एक्सपायर हो जाएगी, आज अगर आज यूज हुआ तो हुआ, वरना ये एक्सपायर हो जाएगी गाइस। इसलिए मैं इसको एक फ्रेंड को देने के लिए जा रहा हूँ, वो आज वाटर पार्क जाएगा। तो बस यही कुछ था गाइस। सो अभी 5-6 जन जाएंगे वाटर पार्क, तो उनको ये वाली पास अपने को लेके जाके देनी है, क्योंकि वो बोला था मेरे को कि पास मेरे को दे दो, आपके पास एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा यार यूज हो जाएगा तो वो बेटर है, एक्सपायर होने से अच्छा यूज हो रहा वो बेटर है। और फिर ये पास अपन लोग 4 दोस्त मिल के लिए थे गाइस, जिसका नाम पे आप देख सकते हो, वो मेनली पास वो अपना नाम से लिया था, अपन लोग पैसा डिवाइड करके दिए थे उसको 16,660 रुपये के आसपास, तो अपन लोग सारा डिवाइड करके लिए थे। और फिर यूज अपन लोग टोटल 14-5 कितना होता है भाई, 19-5 टोटल यूज किए थे, और खाने पीने वाला यूज किए थे, बाकी ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये पास आज यूज हो जाएगा सारा पास, तो भाई अपना पैसा सारा वसूल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं नालंदा और फिर पास देते हैं, और फिर वो लोग क्या इंजॉय करता है क्या नहीं करता वो तो भाई बात की बात है, फिलहाल अभी उसको चलते हैं और फिर पास पहले देते हैं। तो अभी अपन लोग नालंदा की ओर निकले हैं, और फिर ये रास्ता देखो भाई कैसा, मतलब पतला वाला रास्ता, अपन लोग इधर से ही जा रहे हैं, क्योंकि उधर अभी कुछ लफड़ा चल रहा है, इसी कारण से इधर से जा रहे हैं। और फिर देखो गाइस, मैंने बोला था ना अप्रैल तक ये कट जाएगी, मार्च लास्ट लास्ट तक गेहूँ ज़्यादातर कट ही जाती है, लेकिन अप्रैल में सारा सफा चट हो जाएगा, ये कट ही जाएगा। और अभी देख सकते हो सारा, मतलब गेहूँ ना सारा पक चुका है अभी,
और इधर का व्यू देखो भाई, मतलब अच्छा लग रहा है यार। मतलब गांव भी ना काफ़ी यूनिक होता है यार। गांव में ऐसे ही मतलब जो जो सीन गांव में दिखती है ना, वो बाहर में आप लोगों को नहीं दिख पाएगी। आप जान देख ही सकते हो गाइस, फिलहाल मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बस देख ही सकते हो। और मेरे साथ है अभिषेक जो कि बाइक चला रहा है और मैं बैठा हूँ पीछे आ रही है। सुबह देखो ये अभिषेक है और ये मैं, और ये अपना बास है जो कि आज यूज होने वाला है काफ़ी यूनिक तरीके से। भाई सारा पास यूज हो जाए ना तो भाई पैसा पूरा वसूल हो जाएगा, बट सारा पास यूज नहीं होगा ना तो एक दिल में रह जाएगा यार कितना महंगा मतलब पास मिली या फिर यूज भी नहीं हुआ। भाई अभी अपन लोग मेन रोड पे आ चुके हैं, यहाँ से आगे जाएंगे और फिर नारी की तरफ से एंट्री लेंगे नालंदा वाला रूट में। तो अभी इधर का हाल देख रहा हूँ, मिट्टी पूरा भरा रहा है भाई। उधर तो गड्ढा काफ़ी भयानक वाला कर दिया था पीछे के साइड में, मैं आपको नहीं दिखा पाया, बट आते वक्त हो सके तो मैं दिखा दूँ। और फिर ये देखो गाइस, धान वाला पिंज, इसको हम लोग पिंज बोलते हैं। आप लोग की तरफ क्या बोला जाता है कमेंट करके जरूर कमेंट में बताना। हम लोग तो फिलहाल गाँव में पिंज बोलते हैं इसको, जितना भी सरिया हुआ है ना इसको पिंज हम लोग बोलते हैं। और फिर ये अपना पुल। सुबह अभी हम लोग नालंदा पहुंचने वाले हैं, मतलब नालंदा में ही है, नालंदा जिला में ही, लेकिन नालंदा खंडर पहुंचने वाले हैं अपन लोग। भाई एक्साइटेड है भाई कि पास आज तो चलो कोई ना यार, काफ़ी दिनों बाद अपन लोग नालंदा भी जा रहे हैं। तो भाई मतलब ये सब रास्ता ना बहुत दिन हो गया, तकरीबन नहीं भी मानूंगा तो 3-4 महीने, 2-3 महीने हो गए ये रास्ता देखे हुए। तो थोड़ा सा भूला भूला सा लगता है, भूला नहीं बोल सकते बट कुछ यूनिक लगता है। बट फिर भी अपन लोग जा रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है राइड पे, क्योंकि हम तो बैठे हुए ही रहते हैं हमेशा, ज़्यादातर तो किसी एक ही चलाता है भाई तो अब लोग बैठ के ही ज़्यादातर मज़ा लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनानी होती है और फिर अभी सेक चलाता है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करता है गाइस, बाइक चलाता है तो कोऑपरेट ही हुआ ना। बट अभी अपन लोग कहाँ पहुँचे पता नहीं, गाँव का नहीं पता नाम मेरे को, बट इधर से ना अपन लोग बहुत बार आए जाए हैं लेकिन अभी तक मेरे को नाम पता नहीं है गाँव को क्या बोलते हैं नाम से। भाई देख रहे हो न्यू पत्ता आ चुका है इसमें, अपना गांव का जो है ना पीपल का पेड़, सारा पत्ता ढह चुका है, मतलब सारा पत्ता गिर चुका है लेकिन उसमें कोई पत्ता अभी तक आया नहीं है, बट इधर वाले में तो आ चुका है यार पत्ता, हमारा भी न्यू पत्ता आ रहा है हमारे जो पीपल का पेड़ है ना उसमें। और फिर इधर का व्यू देखो ना तो काफ़ी मस्त लग रहा है यार, जो भी बोलो ना भाई, काफ़ी दिनों के बाद भी आ रहा है ना तो वो मज़ा आ रही है यार अपने को, ये वाली रास्ते में ना वो फीलिंग्स आती है ना वो वाली आ रही है भाई अपने को। तो फाइनली भाई अभी तो अपन लोग आ चुके हैं, अभी मोहित को टाइम लग रहा आने में, आएगा तो उसको पास देंगे और फिर पास के बारे में सारा कुछ उसको समझा भी देंगे कैसे यूज होता है इसमें। तो सिंपल सिंपल है गाइस, यूज करना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, बट फिर भी उसको थोड़ा बहुत समझा देंगे। टिकट लो, उसके बाद ये बुक देना पड़ता है, उस पर टाइम बाइम वो कुछ लिखता है, फिर पैसा पेमेंट करना पड़ता है, तो वो स्टाम्प मारता है और फिर आपको कुछ बैंड देता है जो कि हाथ पहनने वाला, और जो कपड़ा होता है ना उसका पैसा वो अलग से ही लेता है। मतलब कोई एक्स्ट्रा में जाओगे ना तो उसका 50 रुपये अलग से पैसा लेगा, पैंट जो भी ड्रेस होती है ना उसका, कॉस्ट्यूम का, और प्लस लॉकअप रूम का वो तो अंदर में ही लेता है 50 रुपये, 150 रुपये जमा और 50 रुपये लॉकअप रूम का रेट होता है, और जब एग्जिट करने लगोगे ना तो 100 रुपये वो रिटर्न करता है। अभी सेक जा रहा है उसको लाने के लिए, शायद आ गया, आ गया क्या, आ गया। सुबह पास तो दे दिए, पास उसके बारे में सारा कुछ समझा दिए, उसको समझ भी गया, सिंपल था गाइस जैसा कि मैंने बताया था ना, सेम प्रोसेस वही होता है। तो पास दे दिए और थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस था तो उसको अभी सेक छोड़ने के लिए गया है, क्योंकि वहाँ से वो लोग पता नहीं ऑटो से जाएगा या फिर क्या चीज़ से जाएगा, बाइक से जाएगा, फोर व्हीलर से जाएगा, नहीं पता, बट वो छोड़ने के लिए गया, क्योंकि अभी हम जहाँ पे है ना वहाँ से उसको छोड़ने में तकरीबन 500 मीटर दूरी होगा, तो पैदल धूप भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो इसीलिए गया उसको छोड़ देगा, फिर आएगा, फिर अपन लोग यहाँ से घर की ओर निकलेंगे। और फिर आपको और भी कुछ व्यू है गाइस जो कि मैं आपको नहीं दिखाया था ना, वो इस रास्ते का व्यू अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो मिस मत करना गाइस क्योंकि काफ़ी मस्त सा व्यू है वो भी। तो भाई नज़ारा देख रहे हो, ये शायद क्या स्कूल है क्या, उतना पता नहीं, सोचो ना मैं इतना बार आया हूँ ना नालंदा, भाई मेरे को उतना पता नहीं ये क्या चीज़ है, आज तक मेरे को पता नहीं है, बट अब की बार तो कंफर्म पता कर लेंगे, स्कूल होगा मैं भी, और आगे शायद बस स्टैंड है, तो इधर के रास्ते से ही छोड़ने गया वो, देख रहे हो वो बस स्टैंड है, बस भी अंदर जा रही है गाइस, तो वो बस स्टैंड है। और फिर इधर से देखो कितना टाइम लगता है उसको आने में, अभी सेक को जल्दी आएगा, अपन लोग जल्दी जाएंगे क्योंकि समझ रहे हो ना टाइम भी हो चुका है, 11 बजने वाला, शायद 10:30 हो चुका है। तो यहाँ से जाएंगे और फिर बड़गांव का जो सीन है ना तालाब वाला, वो काफ़ी मस्त लगता है यार वहाँ का भी, का मतलब पानी भी काफ़ी मस्त है वहाँ का, सोच रहे हैं नहाने के लिए, बट क्या सीन होता है वो तो बाद में ही पता लग सकता है। ये देख रहे हो इधर का भाई, मतलब पूरा खलिहान,
और फिर ये निरीक्षण भवन है गाइस, ये देखो निरीक्षण भवन दिख रहा है, तो यही है, मेरे को लग रहा था स्कूल, लेकिन स्कूल है नहीं, निरीक्षण भवन है। ये देखो छोड़ के आ गया भाई, मतलब टाइम लिया यार बाइक से, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता ना, 500 मीटर मतलब समझ ही सकते हो। कहाँ तक छोड़ दिया था उसका, स्कूल के पास या फिर रोड के पास ही? तो चलो अभी यहाँ से निकलते बड़गांव के पास, आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं जी, बड़गांव का अभी आपको, गाँव का नज़ारा यार, मतलब तालाब का पानी देख रहे हो, काफ़ी मस्त लग रहा है एकदम। इधर नहाने का मन कर रहा है यार अपने को, नहाएगा क्या? टॉवल लेकिन नहीं है अभी से, टॉवल नहीं है, कैसे नहाओगे भाई? पानी देखो तो कितना मस्त है यार, एकदम साफ साफ, गड्ढा उतना नहीं है भाई, कुछ भी बोलो गड्ढा उतना नहीं, पिछला बार भी नहाए थे ना गड्ढा बिल्कुल भी नहीं था, बट इस बार ही लग रहा है ना कि थोड़ा बहुत होगा गड्ढा। देखो पूजा पाठ वाला सामान यहाँ पे मिलता है, नहाओ यहाँ पे ना, बहुत अच्छा सा है यार, मतलब नहाना चाहिए यहाँ पे आगे खास करके। सो अभी देखते हैं, उधर देखो पूरा पूजा पाठ वाला सामान, और फिर ये आंटी गाड़ी लगाने के लिए बोल रही हैं, और इधर नहाने वाला, ये देखो जगह, पिछला बार नहाए थे, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा ना अपन लोग कब नहाए थे, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों वाली वीडियो देख सकते हो जाके। तो ये कुछ सीन है गाइस, और फिर बाहर जो भी है ना मार्केट है उधर बाहर के साइड का, तो उसका तो नज़ारा और भी अलग है, नेक्स्ट लेवल वाला है। सो गाइस इतना ही कुछ था, सो सोच रहा है वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड गाइस। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। जय श्री राम गाइस, बाय बाय। और फिर अपन लोग बहुत जल्द सोच रहे गाइस कुछ अलग ही वीडियो लाने वाले का, लाने के लिए, लाइक अपने पास फ़ोन ये वाली ना थोड़ा सा अच्छा से यूज नहीं हो पा रहा है, तो अपन लोग एक दूसरा फ़ोन लेने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सा फ़ोन अपने लिए बेटर होगा, क्योंकि ये वाली फ़ोन ना अपन लोग रफली यूज कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं ना फ़ोन को लेके जा रहे हैं, बट वो वाली ना ब्लॉग के लिए स्पेशल फ़ोन रखेंगे, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइज कौन सा फ़ोन ले। सो बाय बाय गाइज।